नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो पूजा करते समय अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। पूजा स्थान में पूजा करते समय आसन बिछाकर उस पर बैठकर आपको पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा में आसन का विशेष महत्व है और उससे जुड़े कुछ खास नियम भी हैं। अब वो नियम क्या है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। तो आचार्य जी का हम रुख करेंगे और आचार्य जी, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पूजा करने के खास नियम क्या हैं और आसन पर बैठकर पूजा क्यों करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर हमारा है 0120715-3826, 0120715-3787। इन दोनों ही नंबर पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। शंका का समाधान चाहते हैं तो भी इस नंबर पर कॉल करके आप आचार्य जी से जान सकते हैं। हम अपील भी करेंगे दर्शकों से कि जब जब आप हमारे साथ जुड़े कृपया करके टीवी की वॉल्यूम अपनी बंद कर लें। और आइए रुख कर लेते हैं आचार्य जी का, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि पूजा तो आचार्य जी हर कोई करता है और जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि जमीन पर बैठकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता, आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए, इसका एक खास महत्व है, इसके पीछे की वजह आचार्य जी चाहूंगे विस्तार से साझा करें। देखिए, शास्त्रों में उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है जहां पूजा स्थल से जुड़ी बातें होती हैं, पूजा से जुड़ी हुई बात होती है। बहुत से लोग जमीन पर बैठकर के पूजा करते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ये ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए मणि जी, पूजा हमेशा आसन पे ही करना चाहिए। और आसन से विशेष महत्व जुड़ जाता है, उसका खास नियम होता है, और यह है कि शास्त्रों में आसन के बिना पूजा करना अशुभ मानते हैं, इसलिए आसन का होना बहुत अनिवार्य होता है। यदि आप आसन में यदि पूजा कर रहे हैं, आसन पर बैठ के पूजा कर रहे हैं, इसका विशेष महत्व है कि एयर उससे जुड़े हुए कुछ खास नियम, जैसे अलग अलग रंग के आसनों का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार लाल रंग के आसन पर हनुमान जी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा यदि करना है तो इसके लिए कंबल या ऊनी आसन बिछा करके पूजा करना चाहिए। और आसन का महत्व की बात करें तो धर्म शास्त्रों की माने तो आसन दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें भगवान को बिठाया जाता है जिसे दर्भासन कहा जाता है, और दूसरा वह जिस पर भक्त बैठ करके ईश्वर की भक्ति आराधना करता है, उसे भी आसन कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं, भक्तों को कभी भी जमीन पर बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि लकड़ी की चौकी या घास फूस से बनी चटाई, पत्तों से बने आसन या किसी कपड़े के आसन पर बैठ करके या ऊनी आसन पर बैठ करके भक्त को एकाग्रता की ओर ले जाता है और वहां ईश्वर का ध्यान लगता है। ये तो ही एक बात। नंबर दो बात कि आसन का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। हमारे धार्मिक जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान या जो भी कार्य है वो जरूर कहीं कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे आसन की बात कर लें, आसन पर पूजा करने के पीछे धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व है, और वो है दरअसल पृथ्वी में चुंबकीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण होता है। जब कोई व्यक्ति विशेष मंत्रों का ध्यान जप करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि आपने कोई आसन नहीं रखा है तो ये ऊर्जा पृथ्वी में समा जाती है और आपको कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए पूजा के दौरान आसन बिछाना जरूरी होता है। मणि जी, पूजा करते समय कुछ नियम होते हैं। कभी भी दूसरे व्यक्ति के आसन पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने के बाद उसे उठाकर वापस रखें, उधर उधर ना छोड़ें। आसन को उठाने के बाद आसन के नीचे आपको प्रणाम करना चाहिए, हाथ से सिर को लगाना चाहिए, और
पूजा करने के बाद आसन से सीधे न उठे, सबसे पहले आचमन से जल लेकर भूमि पर चढ़ाएं, फिर भूमि को प्रणाम करें। पूजा स्थल के आसन का प्रयोग किसी अन्य कार्य में ना करें। अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद पूजा आसन को उसके सही स्थान पर रखें और पूजा के अनुसार आसन होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कुशा नामक घास को भगवान के शरीर से उत्पन्न माना जाता है। कुशा को कहते हैं कि इस आसन पर बैठकर जो भी साधक आराधना करता है सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। यदि कोई भी साधक मंत्र सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है तो इसके लिए कुशा का आसन इस्तेमाल करें। कपल का आसन, घरों में पूजा के दौरान कंबल के आसन का प्रयोग उत्तम माना जाता है। दुर्गा माँ, माता लक्ष्मी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए लाल रंग का कंबल सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। मृगचर्म आसन ब्रह्मचर्य, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, शांति, मोक्ष प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन कहा जाता है। बाघ चर्म आसन का प्रयोग प्राचीन काल में सन्यासी लोग, योगी लोग करते थे। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर में भी उन्हें बागचर्म पर विराजित दिखाया जाता है और ऐसी मान्यताएं हैं कि इस आसन पर पूजा करने से आर्थिक समृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये मुनि जी आसन का महत्व होता है, आसन को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आसन के बिना पूजा करना निषेध है, बिल्कुल। आचार्य जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, लेकिन एक सवाल दरअसल आपसे मेरा ये है आचार्य जी, इससे पहले हम कॉलर्स का रुख करें कि अगर स्पेस ना हो, जगह ना हो, तो तब क्या करें? आसन बिछाने की जगह ना, मतलब मैं एक जनरल सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ कि उन लोगों के लिए भी जिनके घर में इतनी जगह नहीं है कि वो आसन पे बैठ के पूजा कर सके, वो अगर अगर अपने पलंग पे बैठ के पूजा करते हैं, मतलब कुछ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पलंग पर बैठ करके पूजा करना, यूं तो भगवान का स्मरण कहीं भी कर सकते हैं आप, जल थल नभ कहीं भी पूजा अपना ध्यान एकाग्रता में ला सकते हैं, मगर पूजा आसन पे बैठ के करते हैं तो वो काफी आपको लाभदायी होती है। रासल प्लंग पर बैठ के करने का, प्लंग पर तो भोजन भी निषेध माना है और भजन भी निषेध माना है। वैसे तो रात को कई लोगों को जब नींद नहीं आती तो अपने गुरु मंत्र का जप, सोते सोते गुरु मंत्र का जप करते हैं तभी उन्हें नींद आती है। कई लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद नींद आती है, कई लोगों को राम रक्षा स्तोत्र करने के बाद नींद आती है। अब मैं मेरी बता दूं कि मुझे बिना राम रक्षा स्तोत्र के किए बिना नींद नहीं आती, तो ये तो अपना अपना विचार है, कर सकते हैं जी। ठीक है, अब हम कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। पहले कॉलर का मैं रुख करना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। नमस्ते पांडे जी। जी नमस्कार जी, मैं झारखंड से बोल रही हूँ और मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, उनका जन्म, उनका नाम बताइए पहले। उनका नाम है उदय कुमार राणा और उनका जन्म हुआ है 10 दिसंबर 1951 में, जगह हजारीबाग है, समय पता नहीं है, पर मुझे ये जानना है कि उनके कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, है तो कब तक होगी? देखिए, उदय दो भाई होने चाहिए और इनका राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है, शुक्र का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है और इनका जन्म समय की बात करें तो 7:33:57 पर हुआ है, आप नोट कर लीजिए, और इनकी सरकारी नौकरी लगने का पूर्ण पूर्ण संयोग बनता है। ये प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, अवश्य इनको सफलता मिल सकती है, ऐसा इनको करना चाहिए। ठीक है, खुशबू जी ने अपने पति उदय जी के लिए सवाल किया था, उम्मीद करते हैं कि उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे हम बढ़ते अगले कॉलर की तरफ, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रितु है, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, मैंने सुना कि हम यहाँ भी कहीं को पूछते हैं उनके बारे में, तो हमने बना बनाया मकान लिया है, उसमें बोलते हैं कि पितृ दोष है, हम नहीं बनते, बरगद नहीं है, आप हमें बताइए कि पितृ दोष है, उसके उपाय।
देखिए रितु जी, आपको बता दें कि मग्नागान चाहे बना बनाए लो, चाहे बना के रहो, चाहे जमीन भूमि पूजन करके बनाइए, या फिर फ्लैट में रहिए या ऊपर नीचे दर मंजिल जो है उन पर रहिए, मगर विशेष ध्यान रखें, पितृ आपके अपने होते हैं। पितृ किसी मकान के बनाने से, अपने बनाए मकान से मतलब नहीं रखते, वो आपके अपने होते हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पितृ आ जाते हैं, और जब नाराज होते हैं तो दोष होता है, जब राजी होते हैं तो पितृ कृपा होती है। कई भवनों पर नाम होता है पितृ कृपा भवन, वो इसीलिए होता है कि पितरों की कृपा से बना हुआ मकान है या उनकी कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आपके घर में जो पितृ दोष की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप गंगा जल गौमूत्र को लेकर के पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें और गूगल धूप की संध्या के समय धुआं कीजिए, अवश्य आपको ऋतु लाभ होगा और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का विस्तार होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे, इनका भी सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं रामगढ़ से बोल रहा हूँ। आपको नमस्कार सुरेंद्र जी। आपको भी नमस्कार आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सरसत नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम, जय जय राम मेरे राम की जय हो। तो आज के सवाल पे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, जन्म स्थान है रतनगढ़ है। मैं क्या कि ध्यान योग करता हूँ, ध्यान योग करता हूँ सुबह 4:30 से 5:30 6 तक या 4:15 से 6 तक, तो ये डेली चलता है 40 साल से। तो मैं ये क्या कि जैसे सर्दी पड़ती है तो इसके अंदर मैं बेड के ऊपर अपना आसन लगा के उसके ऊपर ध्यान योग करता हूँ, तो ताकि मेरे को सर्दी नहीं लगे, क्यों कंबल ओढ़ लेता हूँ। तो ये क्या सही है या गलत है ये बताएं आप। देखिए ध्यान योग के लिए एक ऐसा नीरव एवं शांत स्थान होता है जहां आप अलग से बैठ करके निर्धारित निर्बाधित रूप से ध्यान कर सकें और अपने लिए एक ऐसा पवित्र स्थान जो आपने बना है, चुना है, उस पर आप ध्यान योग लगाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्य पद्धति ध्यान करने के लिए स्वच्छ जगह पर स्वच्छ आसन में बैठ करके साधक अपनी आंखें बंद करके अपने मन को दूसरे सभी संकल्प विकल्पों से हटकर के शांत जब होता है तो वही ईश्वर गुरु मूर्ति आत्मा निराकार भाव में ध्यान योग होता है। ध्यान के लाभ मन और शरीर और मस्तिष्क पर होते हैं, इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। और आपको ये मानना पड़ेगा कि ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं। ये ध्यान एक शुद्ध और पवित्र जगह ही करना चाहिए। आप पलंग पर लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं फिर उन्हें अति विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगा, पलंग पर बैठ करके पूजा की जा सकती है, लेकिन कौन सी, जिसमें पुस्तक भी ना हो और अगरबत्ती दीपक ना जला करके फिर आप कर रहे हो, पलंग पे बैठ करके पूजा पाठ नहीं होते हैं। हाँ वो एक अलग बात है कि आपका नियम है तो आप अपना जप कर सकते हैं, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम, या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सोते बैठते जागते उठते कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ध्यान की बात करें, ध्यान मस्तिष्क की उन तरंगों के स्वरूप में अल्फा स्तर पर ले जाता है जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क के पहले से अधिक सुंदर नवीन कोमल हो जाता है, इसलिए आपको आंतरिक रूप से स्वच्छ होना और बाहरिक रूप से स्वच्छ होना और शांत वातावरण में बैठ करके आपको ध्यान लगाने से ही उसका लाभ होता है। ध्यान आपको जागृत करता है, आपकी आंतरिक मनोवृत्ति को प्रसन्नता देते हुए निर्धारण की स्थिति पैदा करता है। इसलिए मैं यही कहूंगा, विचार आपका है, लेकिन ध्यान एकाग्रता में होना चाहिए, पवित्र जगह होना चाहिए और अंदर से बाहर से पवित्रता के लिए ध्यान हम लोग लगाते हैं। जी ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। जी जी राम राम जी। मेरा मेरा प्रश्न जी, लड़की का नाम मोनिका है, उन्हें
30 जुलाई 1900 का जन्म है उसका, सुबह 10:30 बजे का उड़ीसा में, और मैं 9:30 का, और मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरु जी कि मेरी लड़की को सरकारी जॉब मिलेगी भी, और किस फील्ड में मिलेगी उसे सरकारी जॉब, और उसकी शादी कौन कौन से साल में होगी, उसे लड़का सरकारी जॉब वाला मिलेगा या प्राइवेट, मुझे ये पूछना गुरु जी। देखिए बहन, ये बच्ची को बृहस्पति की महादशा शनि का अंतर है, शादी की बात करें तो 2025-26 में शादी का संयोग यानी शुभ मंगलकारी बनने का संयोग बनेगा। ये बच्ची बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार और बड़ी भाग्यशाली है, और इनकी माता पिता बड़े बड़े भाग्यशाली हैं। आप इनसे प्रतिदिन शिव जी के यहाँ दीपक जलाने के लिए कहें, और दीपक जलाने के साथ साथ इनको एक नियम दें कि क्रोध ना करें, ये करने से बचें अवश्य लाभ। ठीक है आचार्य जी, अब हम राशिफल कर को कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए हम मेष राशि से बात करते हैं कि आज मेष राशि के जातकों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं, तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा को आज आप महसूस करने वाले हैं, उनमें एक नई स्मृति का संचार होगा, अपने जीवन में कुछ नया करने का विचार भी आज आपके मन में पैदा होगा। वहीं आज अपने माता पिता भाई बहन के लिए भी अच्छा करने के विचार आपके मन में आएगा, और उनका सहयोग या सेवा में आप खड़े रहेंगे तो भविष्य के लिए बहुत उत्तम रहेगा। व्यापारिक वर्ग के लिए आज नवीन सौदे तय हो सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी जातकों के, आज उन सभी शादीशुदा लोगों को अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। जो वृषभ राशि के लोग हैं वो आज इस बात को लेकर मन में आनंदित रहेंगे, आपको अपने पार्टनर से कुछ उपहार भी प्राप्त हो सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का अपने क्षेत्र के प्रति झुकाव कम होगा, उनका ध्यान अपनी रुचि के साधनों में लगा रहेगा, इस दौरान वे अपने मन पसंद के कामों को करने में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, जैसा कि नृत्य, चित्रकारी, लेखन इत्यादि में ध्यान जाने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए, आज के दिन आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर भावुक रह सकते हैं, वे घर वालों के प्रति भी आपका मन श्रद्धा बढ़ेगा, ऐसे अपने भाई बहन का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उनके आपसे बहुत अधिक अपेक्षाएं बनी हुई है। और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए, आज नौकरी कर रहे लोगों को अपने काम में कुछ अड़चनों का अनुभव पड़ेगा, इस कारण उनका स्वभाव अपेक्षाकृत थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की, आज व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि व्यापार के लिए कई नए समझौते आज आपके समक्ष आएंगे, अच्छे से विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय ले, जिससे ये भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो और आगे जाकर के आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग करें। वहीं आज आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी जातक, आज सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए नए विकल्पों की खोज बनाएंगे, और उसमें अपना कैरियर बनाने का विचार जो बन रहा है उसमें सफलता प्राप्त होती है, उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर कुछ नया करने का बनेगा, किंतु उससे पहले इसके बारे में अपनों से बड़ों से विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए अपने दोस्तों की ओर से किसी
चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों से भागने की बजाय इनका डटकर सामना करना ही ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का मन थोड़ा अशांत रहने की संभावना दिखाता है। अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। ऑफिस में किसी के साथ अनबन हो सकती है, इसीलिए धैर्य का परिचय दें। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। प्रेम जीवन में रह रहे लोगों का अपने साथी के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। आप उनके लिए भावुक भी हो सकते हैं। यदि आपका किसी के प्रति आकर्षण है तो वह आज के दिन कम होता है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपका व आपके परिवार का मन आध्यात्मिकता में ज्यादा रहेगा। दूसरों की भलाई करने के प्रति आप सभी का झुकाव आज अध्यात्म की तरफ रहेगा। आज कुंभ राशि वाले लोगों को अपने संतान पक्ष से काफी अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। कोई शुभ मंगल कार्य निर्णय हो रहा है। वहीं परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। माता पिता से भूमि भवन प्रॉपर्टी का साथ मिल सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का मन आज आपका बन सकता है, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया तो मन में चिंता ना करें। ऐसे में अपने आसपास के लोगों के साथ और परिवार में अपनी धर्म पत्नी के साथ आप कोई हर्षोल्लास या रोमांटिक कार्यों में अपना प्लान कर सकते हैं। और आज पति पत्नी के बीच संबंध बहुत प्रसन्नता के दिखाई देते हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, तो ये रहा आज का राशिफल और कैसा दिन रहने वाला है जातकों का राशिफल के अनुसार। ये तमाम जानकारी आचार्य जी ने हमारे साथ जुड़कर इस खास पेशकश में साझा की है। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय।